यूक्रेन से युद्ध में रूस अब तक उसके कई अहम हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर चुका है। अब युद्ध के और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन में हमले के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस ने कहा है कि उसकी सेना सभी ऑपरेशनल इलाकों में सैन्य अभियान बढ़ाएगी। रूसी रॉकेट और मिसाइलों के हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। इस बीच यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रवक्ता वादिम स्किबिट्स्की ने शनिवार को कहा, ये केवल हवा और समुद्र से मिसाइल हमले नहीं हैं। हम पूरी लाइन ऑफ कांटेक्ट, पूरी फ्रंट लाइन पर गोलाबारी देख सकते हैं। असल में पूरी फ्रंट लाइन पर दुश्मन की एक निश्चित सक्रियता है। स्पष्ट रूप से अब हमले के अगले चरण के लिए तैयारी चल रही है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूस स्लोवियनस की ओर हमले के लिए अपनी यूनिट्स को फिर से संगठित करता हुआ दिख रहा है। स्लोवियनस्क डोनेस्क के पूर्वी क्षेत्र में स्थित प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। बता दें कि हाल ही में रूस ने लुहांस्क प्रांत में जीत का ऐलान किया था। रूस का दावा है कि वो अब यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा करने के टारगेट के करीब पहुंच गया है। दरअसल लुहांस्क और पड़ोसी डोनेस्क दो प्रांत है जो डोनबास क्षेत्र का निर्माण करते हैं। रूस समर्थक अलगाववादियों का दोनों प्रांतों के हिस्सों पर दबदबा है और मॉस्को ने लुहांस्क और डोनेस्क को संप्रभु गणराज्यों के तौर पर मान्यता दी है। लुहांस्क में जीत के दावे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिन सैनिकों ने लुहांस्क की लड़ाई लड़ी है उनको आराम करना चाहिए और अपनी युद्ध क्षमता को फिर से विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसा अभी तक लुहांस्क में हुआ है।